स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर न्यू लेक्चर ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट द प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ऑफ सॉइल, यानी हमने प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो है वो कैसे एग्जर्ट होता है, उसे ग्राफ में से हम कैसे निकालते हैं, वो सब हमने लास्ट में देखा था। तो उसमें ऐसा था कि हमने एक ग्राफ बनाया था वॉइड रेशियो वर्सेस जो प्रेशर होता है अपना, यानी कि जो इफेक्टिव प्रेशर होता है, इफेक्टिव कंप्रेशन प्रेशर होता है, उसके बीच में एक ग्राफ बनाया था जो कि एक कर्व वाला था। उसमें मैक्सिमम कर्व वाला पॉइंट पकड़ के हमने उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, उसके बाद एक पॉइंट ए पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो दोनों को बाइसेक्ट करती हुई लाइन ए डी बनाई, और ए डी और पी पॉइंट से हमने जो है वो पूरा इफेक्टिव प्रेशर निकाला जो कि प्री कंसोलिडेशन प्रेशर था हमारे लिए। ओके, तो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर निकालने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है फ्रेंड्स? तो सीधी बात है कि अगर हमें कोई भी मेजरमेंट लेना हो तो उसका इनिशियल जो मेजरमेंट होता है वो हमें पता होना चाहिए, यानी कि उसे शुरुआत कहाँ से करनी है मेजर करने की वो हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो है कंसोलिडेशन मेजर करने से पहले आपको पता होना जरूरी रहता है। ओके, तो उसी के लिए आपकी थियरी थी प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। ओके, तो वो थियरी जो है वो किससे सजेस्ट की थी, ये कासाग्रेंडे करके जो जियो टेक्निकल फील्ड में जो साइंटिस्ट है उन्होंने वो थियरी सजेस्ट की थी। अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने कंसोलिडेशन के रिलेटेड एक थियरी जो है वो सजेस्ट की है, तो उनका नाम टर्ज़ागी था। टर्ज़ागी के ऊपर से ही उसका थियरी का नाम है, टर्ज़ागी'स थियरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। ओके, देखो ये वर्ड खास मार्क करना फ्रेंड, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। ओके, कंसोलिडेशन हो रहा है लेकिन वन डायमेंशनल हो रहा है। ओके, तो जहाँ पे भी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन होता है वहाँ हम ये टर्ज़ागी'स की थियरी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल है टर्ज़ागी'स वन डायमेंशनल थियरी में, उसके एजम्पशंस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि कोई भी थियरी आपको पता है कि जब हमारे इंजीनियरिंग में कोई भी थियरी होगी तो उसके एजम्पशंस होते हैं, कुछ उसकी आइडियल कंडीशंस होती है कि कौन कौन से एजम्पशंस एज्यूम करके ये थियरी बनाई गई। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि द रेट ऑफ सेटलमेंट होता है, द रेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ सॉइल is directly proportional to the dissipation pressure of pore water. Okay, यानी pore water pressure जितना होता है, यानी कि soil water body के अंदर water के ऊपर जितना pressure होता है उतना ही pressure settlement का होता है, यानी कि उतना ही settlement soil में होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे the rate of settlement is directly related to dissipation of pore water pressure in any soil mass. Rate of settlement directly related to the dissipation of pore water pressure. Okay? यानि आपका जो rate of settlement होता है soil का, देखो rate of settlement की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? तो हमें पता है कि consolidation से क्या होता है soil वो soil mass से क्या होता है कि pressure exert होता है। तो वो pressure से क्या होता है geotech में कि उसका settlement होता है। अगर उसका settlement नहीं होता है तो उसकी जो adverse effect है वो किस पे आ सकती है? आपके फाउंडेशन पे आ सकती है। ओके, क्योंकि जनरली हमारा जो जियोटेक होगा वो आपके फाउंडेशन के आसपास घूमता रहेगा, क्योंकि बिलो ग्राउंड लेवल जो भी चीज़ होती है वो जियोटेक पे कैसेट रखी जाती है और उसी के आधार पे ये पूरा सब्जेक्ट टिका हुआ है। ओके, तो आपका जो रेट ऑफ सेटलमेंट है कोई भी स्ट्रक्चर के नीचे की सॉइल का, यानी कि ग्राउंड लेवल से बिलो लेवल का, वो सेटलमेंट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है डिसिपेशन ऑफ पोअर वाटर प्रेशर। ओके, पोर वाटर प्रेशर जितना आपका एक्सर्ट होगा उतना आपका रेट ऑफ सेटलमेंट मिलेगा, यानी वो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, तो अब ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हमें सेटलमेंट तो चाहिए कि कितना सेटलमेंट होता है,
जितना फाउंडेशन का सेल का सेटलमेंट होगा उतना हमारा फाउंडेशन के लिए अच्छा होगा, तो रेट ऑफ सेटलमेंट में हमें इंटरेस्ट है। ओके, तो कोई भी टाइम पे कितना सेटलमेंट होगा वो हमारे लिए जानना जरूरी होता है। ओके, तो इसीलिए कर्जा ने एक थियरी हमें सजेस्ट की है जिसे हम वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन बोलते हैं। वो कई जगहों पे यूजफुल भी होती है और मोस्ट पॉपुलर भी थियरी है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट, देखो हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, हम क्या करना चाहते हैं, तो प्रेडिक्ट द टाइम रेट कंसोलिडेशन, द टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन, प्रेडिक्ट द टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन, टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन। अब ये क्या है कि हमें कंसोलिडेशन है हो रहा है, हमें पता चल गया कि कंसोलिडेशन कैसे टेक प्लेस हो रहा है, उसके स्टेजेस हम देखेंगे, इनिशियल स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। लेकिन टाइम रेट कंसोलिडेशन यानी कंसोलिडेशन तो हो रहा है लेकिन कितने टाइम पे, कितने रेट पे हो रहा है और कौन सी जगह पे हो रहा है, ये तीनों चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे लिखा है देयरफॉर इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अ सॉइल लेयर, ऑफ एनी सॉइल लेयर, कंसोलिडेशन हो रहा है लेकिन किसका हो रहा है, सॉइल लेयर का हो रहा है। ओके, अ थियरी व्हिच कैन प्रेडिक्ट द पोर वेट पोर वाटर प्रेशर, अ थियरी व्हिच कैन प्रेडिक्ट पोर वाटर प्रेशर यानी कि जो थियरी पोर वाटर प्रेशर को प्रेडिक्ट कर सके, लेकिन कौन सी जगह पे, कोई भी सॉइल लेयर पे और किसी भी टाइम एलिप्स पे। ओके, यानी कि टाइम एलिप्स जो होता है वो हमें कंसिडर करना होता है कि कितने टाइम में वो थियरी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं हम और उससे रिजल्ट दे सकते हैं। ओके, which can solve this.
मोस्टली यूजेबल होती है या मोस्टली पॉपुलर होती है? इट इज मोस्ट पॉपुलर. तो ये सब आपके थ्योरी का बर्थ था, यानी उसका इंट्यूशन था कि कैसे ये डेटाबेस थ्योरी जो है वो हमारे डेफिनेशन में आई. और उसके बाद एक चीज आपको समझनी है वो है उसके एजम्पशंस, कि टेस्ला के क्या क्या एजम्पशंस रखे थे. वो भी जीडीयू में कई बार आपको पूछ सकते हैं, एजम्पशंस मेड हो रहा है, लेकिन परमियबिलिटी का जो कोएफिशिएंट है वो सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है.
ओके, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन, ये एक चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद जो सेवंथ पॉइंट है हमारा, यानी कि सेवंथ एलिमेंशन है, वो ये है द सॉइल इज लिटरली कन्फाइंड, द कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि कंसोलिडेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा हमें सोचना है। कंसोलिडेशन ओनली टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन, कंसोलिडेशन खाली एक ही डायरेक्शन में, यानी कि ओनली वन डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा हमें अस्यूम करना है। ओके, अब जो ये सब सारे एसम्पशन है वो आपको याद रखने हैं टर्नरी थ्योरी में। एक एटमा एसम्पशन है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है, मैं आपको मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस में जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देयर इज अ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव सॉइल प्रेशर, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस और वॉइड रेशियो जो होता है उसके बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप होता है, वो तो हमें अपनी कंसल्टेशन के लिए मिलेगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। एंड दिस रिलेशनशिप रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग लोड इंक्रीमेंट। ओके, यानी कि जब जब लोड इंक्रीमेंट होगा तब भी ये रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन होगा, किन दोनों के बीच का, वॉइड रेशियो और स्ट्रेस के बीच का, इफेक्टिव स्ट्रेस और वॉइड रेशियो के बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप होता है जिससे वो कर्व हमें बनाया जाए अपनी कंसंट्रेशन में। हमारे ये टर्नरी थ्योरी में ये एसम्प्ट किया है कि लोड इंक्रीमेंट बढ़ता है तो भी वो रिलेशन ऐसा ही रहता है, कॉन्स्टेंट ही रहता है। ओके, तो आठवां पॉइंट आपका वो है कि रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, एंड इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिमेंट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग लोड इंक्रीमेंट। ओके, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने आठवां पॉइंट है वो आपको लिख के नहीं समझाया, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो ऊपर। तो ये जो एजम्पशन है वो आपको याद रखनी है टर्नरी थ्योरी में। कई बार ओनली एजम्पशंस आपको जीपी में पूछ लेते हैं, तो दो तीन या चार मार्क के क्वेश्चन में ये आ सकती है ओनली एजम्पशन, अगर पूरी थियरी तो वो सात मार्क में दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले रिपीट करा लेना चाहूँगा, द रेट ऑफ सेटलमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिसिपेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर इन एनी सॉइल मास, देयरफॉर इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ एनी सॉइल लेयर, अ थियरी विच कैन प्रिडिक्ट पोर वाटर प्रेशर at any time and place in a given soil layer is necessary for us. Terzaghi suggested such a theorem which can solve this and it is most popular. Okay? उसके बाद उसके assumptions हैं कि कौन-कौन से assumptions हमें Terzaghi के theory में रखने हैं। सबसे पहले कि आपकी soil जो है वो homogeneous होनी चाहिए, soil जो है वो fully saturated of water होनी चाहिए, डार्सिस जो यहाँ पे सॉइल पे वैलिड होना चाहिए, यानी कि सॉइल वाटर रिलेशनशिप पे मेंटेन रहना चाहिए, कंप्रेशन एंड फ्लो आर ओनली वन डायमेंशनल और वो भी वर्टिकल, कंप्रेशन जो होगा वो वर्टिकल होगा और उसके वजह से जो फ्लो होगा, यानी उसके रीजन से जो फ्लो होगा वाटर का वो भी वर्टिकल होगा। तो सॉइल पार्टिकल्स एंड वाटर आर इनकम्प्रेसिबल, यानी कि वाटर और सॉइल पार्टिकल को हमें इनकम्प्रेसिबल एज्यूम करना है। The coefficient of permeability is constant during consolidation. मतलब consolidation होगा आपका आपके soil का, उस time पे आपकी permeability जो है वो उसका coefficient है वो constant रहेगी, यानी कि उसकी value change नहीं होगी। Okay? Consolidation only take place in one direction, vertical direction. Consolidation only one direction में जो है वो हमें predict करना है, या तो यही सोचना है कि one direction में भी होगा, में ही होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। और आठवां जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है जो कंसोलिडेशन का, वो ये है कि जो स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस और वॉइड रेशियो, वो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यूनिक रहना चाहिए, वो यूनिक रिलेशनशिप है। और ड्यूरिंग लोड इंक्रीमेंट, जब जब कंसोलिडेशन के लिए हम लोड बढ़ाएंगे तो भी वो रेशियो सेम रहना चाहिए, यानी कि वो कर्व जो है अपने कंसोलिडेशन में हमने देखा था वो सेम रहना चाहिए। तो इतने एजम्पशन हम टर्नरी थ्योरी में करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना, अब इसके आगे जो पार्ट है वो हम इसके आगे के लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे उसने मतलब टर्नरी ने कैसे वन डायमेंशनल फार्मूला दिया है, और वन डायमेंशनल फार्मूला के ऊपर से ही कैसे टाइम फैक्टर जो है वो डिसाइड किया है। ओके, तो यहाँ मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो
एक जो टाइम फैक्टर है वो, और दूसरा है टेलजाइज इक्वेशन। ओके, तो ये दोनों के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग।